सहिदा जी, क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं और करने को कुछ ज़्यादा नहीं है, तो लोग अक्सर क्या करते हैं, टीवी देख रहे हैं, बातें करते हैं, जहाँ देखिए सब अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं, और जिसको देखो वो फ़ोन पे होता है, या तो इंटरनेट पे होता है या गूगल पे होता है। सिंस वी आर डूइंग दिस कॉन्स्टेंटली, हर दिन, रोज़, हर समय, इवन रात में जब सोने रहे तो आदमी फ़ोन पे ही होता है, तो क्या इससे कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? क्या इसमें एडिक्शन हो सकता है जो आगे जाके एक मुसीबत हो जाए? दो किस्म के लोग हैं। एक वो जिन्हें बहुत ही ज़्यादा वक्त है आजकल, क्योंकि उनका काम इस तरह का नहीं है कि वो घर से किया जाए या स्कूल कॉलेज की छुट्टियां हो गई हैं, और एक वो कि जो पहले जितना काम करते थे उससे डबल हो गया है, तो उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मगर दोनों ही सिचुएशंस में हम देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कि जो इंटरनेट का जो यूज़ है, स्मार्ट गैजेट्स का जो यूज़ है, उसकी वजह से भी हमारी लाइफस्टाइल पे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। और बहुत चांसेस बढ़ गए हैं कि लॉकडाउन की वजह से, स्पेशली उन लोगों के पास जिनके पास ज़्यादा टाइम है, कि इंटरनेट का एडिक्शन हो जाता है। इसलिए इंटरनेट का एडिक्शन कह रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई लोगों को वीडियोस देखने का एडिक्शन हो जाता है, और सीरियल्स एंड टीवी मूवीज़ देखने का एडिक्शन हो जाता है, कि लोगों को गेमिंग का एडिक्शन हो जाता है। तो ये अलग अलग किस्म के एडिक्शन हो सकते हैं, इसलिए हम ओवरऑल इंटरनेट एडिक्शन कह रहे हैं। कोई भी स्मार्ट गैजेट या जिस चीज़ का भी आप यूज़ करेंगे, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको उसके लिए हानि पहुँचेगी। जस्ट बिकॉज आप लॉकडाउन में हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भूल जाएं कि डिजिटल सेफ्टी क्या होती है, किस किस्म की तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए, किस किस्म की तस्वीरें नहीं भेजनी चाहिए। अगर आपने सिर्फ खींची हैं, भेजी भी नहीं है, फिर भी क्लाउड पे वो रह जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट का थोड़ा सा ख्याल रखें। हम क्या कर सकते हैं सारी चीज़ें बचने से? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हमें लग रहा है कि हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट या स्मार्ट गैजेट, या घर वाले हमें परेशान कर रहे हैं कि तुम बहुत कर रहे हो, तो टाइमिंग कर लेना चाहिए। जो भी, सपोज अगर आप कोई भी जो ऐप यूज़ करते हैं उस पर आप टाइमर लगा लीजिए कि एक साथ आप आधा घंटा या एक घंटा, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इट्स अ वेरी इजी वे ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यू नो। दूसरी हम चीज़ ये हो सकता है कि हम ये देखें कि जो हम स्क्रोल कर रहे हैं वो बहुत कॉन्शियसली हम स्क्रोल करें, कि हम क्या कंटेंट देखना चाह रहे हैं, हम इस कंटेंट में क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या हमारी लाइफ में इसका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी का अच्छा फ़ायदा होना चाहिए, बुरा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात हो जाती है कि अगर हम एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो एक वक्त होना चाहिए। चलो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 घंटा देख लो कि चलो एक हिंदी पिक्चर पूरी एक साथ देख लेंगे, मगर उससे ज़्यादा अगर आप वक्त बिताएंगे तो वो एंटरटेनमेंट जिसे आपको अच्छा लगता था, रुचि आती थी, मज़ा आता था, वो भी हमें बोर होने लग जाएगा। तो अगर हम जुडिशियस एंड कॉशियस इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट का और स्मार्ट गैजेट्स का, तो इनफैक्ट हमारा हेल्थ भी बरकरार रहेगी, हमें मज़ा भी आएगा, हम उसका फ़ायदा भी उठा पाएंगे, इनफैक्ट हमारे हेल्थ में इजाफा होगा, स्ट्रेस लेवल्स कम हो सकते हैं। तो यू नो, पुट अ टाइमर, यूज़ बी वेरी कॉन्शियस व्हाट यू आर यूजिंग द इंटरनेट फॉर और द स्मार्ट गैजेट्स फॉर। डोंट यूज़ अ लॉट ऑफ इंटरनेट और स्मार्ट गैजेट्स जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, स्मॉल लिटल थिंग्स। और अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग को ना पॉर्न एडिक्शन हो रहा है आजकल, क्योंकि कुछ नहीं कर रहे हैं तो पॉर्न देख रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आदत सी हो गई, आप नहीं निकल पा रहे हैं उससे, तो सबसे सेफेस्ट चीज़ है कि जब भी आप अपने फ़ोन पर या अपने कंप्यूटर पे रहें, अकेले ना बैठें। आप किसी के साथ रहेंगे या कोई आपके स्क्रीन में झांक सकता है, तो आप ज़्यादा केयरफुल रहेंगे कि आप क्या देख रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप करेंगे तो आपका जो एडिक्शन अगर हो भी गया है तो उससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। एंड इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको लग रहा है कि इसकी वजह से तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई है, तो प्लीज आस्क अ डॉक्टर व्हाट टू डू एंड हाउ टू गो अबाउट इट। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।